नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इटावा सफारी पार्क को देश में नई रियासत बना रहे जंगल के राजा बब्बर शेर एशियाई लायन की बात हो तो भारत में केवल गुजरात के जूनागढ़ में एशियाई बब्बर शेर पाया जाता है, लेकिन अब इनकी नई रियासत बन रही है जिसका पता है उत्तर प्रदेश के इटावा सफारी पार्क, जो कि यमुना के बीहड़ के किनारे बसे लायन सफारी पार्क में अपने अनुकूल वातावरण पाकर इन शेरों का कुनबा बराबर बढ़ रहा है। पिछले 4 सालों में इनकी संख्या बढ़कर 11 से वर्तमान में 18 हो गई है, जिनमें 9 नर और 9 मादा शेर हैं। हालांकि लायन सफारी का सपना संजोने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार में यहां कई शेरों की मौत भी हुई है। वजह थी बीमारी केनाइन डिस्टेंपर, जिसकी वजह से सफारी में 11 शेरों की, जिनमें 5 शावक शामिल थे, की मौत हो चुकी थी। और यही वजह है कि इटावा लायन सफारी का नाम बदलकर इटावा सफारी पार्क रखना पड़ा। हालांकि इस बीमारी केनाइन डिस्टेंपर पर सफारी प्रशासन ने काबू पाया और इस लाइलाज बीमारी की वैक्सीन तैयार की और इस वैक्सीन को अब इटावा सफारी पार्क से पूरे देश में भेजा जाता है। अब 18 शेरों की संख्या होने पर जल्द ही लायन सफारी को खोले जाने की कवायद जोरों पर है। 350 हेक्टेयर में फैला इटावा लायन सफारी पार्क एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। केंद्रीय चिड़ियाघर ने राज्य सरकार के सहयोग से इटावा लायन सफारी को ब्रीडिंग सेंटर के रूप में भी चुना है, जिसके परिणाम 2016 से देखने को मिलने लगे हैं। गुजरात से लाए गए शेर यहाँ के वातावरण में पूरी तरह से ढल गए हैं। यही वजह है कि यहाँ के ब्रीडिंग सेंटर में 7 शावकों का जन्म हुआ है और जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इनमें 4 नर शेर सुल्तान, सिम्बा, बाहुबली और भारत है, जबकि 3 मादा शावक सोना, रूपा और केसरी है। अभी लायन सफारी में 18 शेरों की संख्या हो चुकी है और इसी तरह अगर शेरों की संख्या बढ़ती रही तो अगले 10 सालों में यहाँ 50 शेरों की संख्या हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। लायन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि लायन जंगल का राजा कहलाता है और प्राचीन काल में ऐसा था कि सिंध से लेकर के और बिहार तक पूरे मध्य क्षेत्र में लायन पाए जाते थे और आज स्थिति यह है कि केवल भारत के जूनागढ़, जो गुजरात राज्य का एक जनपद है, वहाँ पे पाए जा रहे हैं और चिड़ियाघरों में है इधर, लेकिन वाइल्ड में केवल जूनागढ़ में। तो धीरे धीरे इनकी संख्या बीच में काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन 15 का सेंसस जो हमारा था 2015 का, उसमें हमारे पास केवल 523 लायन बचे थे वाइल्ड में और सेंसस 2000 में होना था, क्योंकि हर 5 वर्ष में होता है सेंसस। इस वर्ष सेंसस नहीं हो पाया, लेकिन जो हमारे सर्वेयर हैं, जो वाइल्ड लाइफ के सर्वेयर, उन्होंने बताया है कि लगभग 674 इस समय संख्या है लायन की गिर में। ओवरऑल हिंदुस्तान में लगभग 2400 हैं सब चिड़ियाघर वगैरह मिला करके, तो संख्या अच्छी है। जहाँ तक हमारा लायन सफारी इटावा है तो जूनागढ़ से दूर हम एक्स सीटू मैनेजमेंट के अंतर्गत हम यहाँ पे लायंस की ब्रीडिंग करा रहे हैं और शुरुआत में, जैसा कि आपने, आप सभी लोग जानते हैं कि शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ कैजुअल्टीज हुई, लेकिन अल्टीमेटली हम 18 के बाद, ख़ास तौर से 16 से ही हमारा यहाँ का जो ब्रीडिंग का कार्यक्रम है बहुत उत्साहजनक है और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। अभी हमारे पास 18 शेर हैं, जिसमें 9 मादा हैं और 9 नर। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।